हेलो। हेलो, कौन? हाँ बोलिए बबलू शाह बोल रहे? जी, बताइए। हाँ मैं बोला आपने लेटर बना के डाला भी है, एक तक का शायद ऑपरेटर का। हाँ मैं बोला ये ऑपरेटर के लिए तो आपने बढ़िया अच्छा डाला है, और मालकों के लिए क्या करना चाहिए? मालों के लिए क्या डालना चाहिए बताइए। नहीं, बिल्कुल, मालकों के लिए। ऑपरेटर अगर पूरा पेमेंट लेके मालक को धोखा देके भागता है किसी और के पास, सुनिए, मैं बात सुनिए। अभी हाँ बताइए। एग्रीमेंट तैयारी हो रहा है, ठीक है ना? हाँ एग्रीमेंट में हम डालेंगे एक दो दिन में इंग्लिश और हाँ हिंदी, कि अभी केवल हाँ हिंदी ही डाले हैं, इसको इंग्लिश भी डालना है, और जो एग्रीमेंट फॉर्म आ रहा है उसमें हिंदी भी डालना है, इंग्लिश भी डालना है, और दोनों को देखते हुए बना है एग्रीमेंट, ठीक है ना? ओनर को भी देखते हुए, कंपनी को भी देखते हुए, ठेकेदार को भी देखते हुए, ऑपरेटर को भी देखते हुए एक एग्रीमेंट तैयारी हो रहा हाँ है। ये कल या परसों दिल्ली से आ जाएगा, मेरे पास मेल आ जाएगा, हम नोटिस कर देंगे। जी बताइए, हाँ आगे बोलिए। नहीं वही भेजिए ना कि ऑपरेटर बहुत अच्छा है। मैं तो एग्रीमेंट के लिए सबसे पहले तैयार हूँ, क्योंकि एग्रीमेंट होना जरूरी है, तभी तो ऑपरेटर को समझ में आएगा कि मालक की गांड में मारना क्या मतलब होता है। नहीं, देखिए, एग्रीमेंट हो जाएगा ना तो आपको भी सेफ्टी रहेगा, ऑपरेटर को भी अरे मैं सेफ्टी तो सबसे रहेगी। ज्यादा खुश हूँ एग्रीमेंट में, मेरे पास को तो ड्राइवर इनकी बहन वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। की पैसे लेके गायब हो जाते हैं। 20 दिन से मेरा गाड़ी खड़ा है, पूरा एक एक रुपए हर ग्रुप में वीडियो किस्त पहुंचना में ले जा रहा हूँ चाहिए। मैं, झूठ बोल के। एक बोलता मैं एंगेजमेंट जा रहा हूँ आज तक, अभी एग्रीमेंट हुआ है तो इतना फट रहा गाड़ी है। पलटी कर देता है ऑपरेटर, तो भी हम उसको पालते हैं, पैसा खर्चा नहीं लेते उससे, 2.5 लाख रुपए गाड़ी में लगा, उसके सुनिए बाद सुनिए, वो बोलता आप है। हाँ भाषा का प्रयोग ना करिए, ठीक है ना? कि आपका नहीं नहीं जो बात हो नहीं रहा है ना, मेरा बात हाँ रिकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये अरे आप जो भी आप रिकॉर्डिंग करिए, मैं भी रिकॉर्डिंग करता हूँ, फर्क नहीं पड़ता मुझे इस रिकॉर्डिंग से। जो आपने डाला उसकी बात कर रहा हूँ नहीं तो कि आप भाषा का प्रयोग ना करिए ना, जो बात करना है सीधा सीधा करिए। नहीं, मैं आपको अभद्र भाषा बोल नहीं रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ जो मेरे साथ किसी को तकलीफ भैया किए यहाँ हैं। पर अभद्र भाषा का प्रयोग ना करिए। आप जो बोलना है, आपका एग्रीमेंट में आपका क्या क्या चाहिए बताइए, और हम सब कुछ चाहिए मुझे कि अगर मालक का पेमेंट नहीं, अगर मालक के ड्राइवर को पेमेंट समय से नहीं देता है, तो मालक के पास कोई भी ड्राइवर नहीं टिकना चाहिए, मिलना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी भी ड्राइवर को अगर ये धोखा देता है, तो ड्राइवर के ऊपर जुर्माना मालक के ऊपर दोनों के ऊपर होना चाहिए, कि ड्राइवर धोखा नहीं दे सकता मालक को। हाँ देखिए, मेरा बात सुन लीजिए, हम क्या क्या लगाए हैं उसमें, हम जो हाँ एक दो बता देते हैं। हाँ कोई भी ऑपरेटर 10 महीना एग्रीमेंट के साथ रहेगा, कोई भी मालिक के हाँ पास, कि दो हाँ महीना बारिश होता है, हम एक साल हाँ नहीं देते हैं, नहीं दे हाँ पाएंगे। 11 महीने, 11 महीने रहता है, 11 महीने रहता है, नहीं, दस 11 महीने महीना का एग्रीमेंट बनता है। नहीं, 10 महीना रखिए ना, वो नहीं नहीं एक भैया, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, चाहे घर का हो चाहे रेंट का हो, हर किसी का एग्रीमेंट 11 महीने रहता है, 12 महीने की उसकी वैलिडिटी नहीं रहती। हाँ नहीं, मान लीजिए 11 महीने, बारिश होता है ना, वो घर के भैया, पास बारिश छोड़ हो कुछ, दीजिए। उससे कोई तकलीफ नहीं है, बारिश हो कुछ भी हो, हम 11 महीने उसको पेमेंट देंगे, 12 महीने पूरा पेमेंट देंगे, ठीक है ठीक मतलब है, हम साल भर देते पेमेंट लोगों को हाँ नहीं ठीक घर है, बैठा ग्यारह के। महीना 11 महीना एग्रीमेंट रहेगा। हाँ अगर ऑपरेटर को मशीन छोड़ना है तो आप हाँ पहले 15 दिन पहले इन्फॉर्म करें, ठीक है? पहले दिन इन्फॉर्म बात उसकी नहीं है, सबसे पहले रीजन होना चाहिए छोड़ने का, हाँ, तो रीजन सबसे होगा, पहला मान रीजन। लीजिए हाँ हाँ रीजन होगा, 15 दिन पहले हाँ इन्फॉर्म करें। अगर हाँ मालिक को भी हटाना है तो पहले हाँ 15 दिन इन्फॉर्म करें। बिल्कुल, मालक को भी रीजन होना चाहिए, मालक के पास भी रीजन होना चाहिए कि भैया ये ऐसा कर रहा है तो मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ, जी, ठीक है। और और जो ड्राइवर को भी होना चाहिए कि मेरा मालक ऐसा कर रहा है तो मैं नहीं रखना चाहता। और अगर उसके बाद कोई भी तकलीफ ड्राइवर की नहीं, और वो अपनी मर्जी से अगर छोड़ के किसी और के यहाँ जा रहा है, वो नहीं अलाउ रहेगा। नहीं, आप मेरा बात सुन लीजिए ना, देखिए हाँ मालिक एग्रीमेंट का ये महीना को हो गया 11 महीना, उसके बाद आप हाँ जो लीजिए, आप ऑपरेटर को कम से कम 1 महीना से, 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में उसको जो वेतन है दे देना है, जो भैया आप आपका 10 तारीख की बात करते हो, मैं हफ्ते में देता हूँ लोगों वो आप हफ्ते में दीजिए, डेली डेली दीजिए, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम वो कुछ नहीं जानते हैं ना। मेरा जो एग्रीमेंट है, हम रूल्स के हिसाब चलते हैं ना, आप 1 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में उसका पेमेंट दीजिए। अगर जो ऑपरेटर है हाँ। और आठ घंटा 11 महीने ड्यू का एग्रीमेंट नहीं रहेगा ऑपरेटर का, ये हर 11 महीने में बदलने वाली चीज नहीं है भैया। जी, ये रेंट एग्रीमेंट होता है 11 महीने का, और ये जमीनी खरीद खरीदी बिक्री का होता है एग्रीमेंट, 11 महीने का कोई एग्रीमेंट नहीं होता किसी वर्कर का और उसका। नहीं, ये 5 साल का रहता है, बॉन्ड बनता है, बॉन्ड एग्रीमेंट नहीं बोलते इसको, बॉन्ड रहता है, बॉन्ड नहीं, 5 साल, दस आप साल बॉन्ड पंद्रह बनाइए साल ना, हाँ हम कहाँ मना कर रहे हैं, बॉन्ड बनाइए। लेकिन हाँ आप उसको 8 घंटा ड्यूटी प्लस हाँ ये घंटा लंच, 9 घंटा कुल मिला के हो गया। अगर हाँ 8 घंटा चलेगा से ना, ज्यादा काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम दीजिए। हाँ बिल्कुल। अरे हम
देते थे ना, आपके बोलने की जरूरत नहीं, हम देते हैं, क्योंकि ड्राइवर अगर हमारे को 1000 रुपए कमा के देता है तो हमको 100 रुपए देने में क्या तकलीफ है। बिल्कुल वही हम वही मेरा कहना है, हम देते हैं लेकिन देने के बाद भी धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा मालक खड़ा रहता है। एग्रीमेंट नहीं करते हैं, धोखा देने का कारण क्या है? एग्रीमेंट नहीं करते हैं, कोई नहीं करता ना, यही तो बात है। कोई कर, जब एग्रीमेंट की मैंने दो लोगों से बात की तो भाग गए। नहीं करिएगा तो फिर धोखा दे रहे हैं। मैंने देगा। क्या बोला? ऑपरेटर मालिक को धोखा दे रहा है, मालिक ऑपरेटर को धोखा दे रहा है। जब मैं एग्रीमेंट करने की बात करता हूँ ऑपरेटर से, गांडू ऑपरेटर पहले ही भाग जाता है। इसलिए भाग जाता है कि मालिक एग्रीमेंट कर लेगा तो दबा लेगा अपने पास में, फिर क्या करूँ? नहीं, दबाने की इसमें क्या बात है? इसमें तो आपके पास भी सबूत रहेगा, ड्राइवर को लगता है ना। मैं तो एग्रीमेंट को देखिए, हमारे पास जितना भी हमारे संस्था में 14,000 ऑपरेटर है, 14,000 ऑपरेटर में हर किसी को, जो भी अगर नया नया मालिक के पास, ओनर के पास जा रहा है, हम उनको बोल रहे हैं कि भैया आप एग्रीमेंट कराइए, या आप बिना एग्रीमेंट के मत जाइए, हम इसका रिस्क नहीं लेंगे। कल आप बिल्कुल आप मेरे से एग्रीमेंट करिए, 5 साल का बॉन्ड बना के आप ऑपरेटर भेज दीजिए मेरे पास में, यहाँ पे लोकल में चलती मेरी गाड़ी। सुनिए, 5 साल देखिए, आप 5 साल आपके पास नहीं रहेगा ना कोई ऑपरेटर भैया, तो 11 महीने का बॉन्ड कभी नहीं बनता। नहीं सुनिए, आपके 5 साल रह जाएगा, आप 5 साल मेरा घर पर रह जाइएगा, आपके परिवार के पास नहीं जाइएगा। अरे ऐसा नहीं होता भाई, हर एक महीने की छुट्टी मिलेगी उसको साल में। हाँ तो आप भैया आप उसको परमानेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ साल में 11 महीने, क्या साल में 1 महीना अपने परिवार के पास जाएगा, या अपने परिवार को लेके यहाँ आना चाहता है या वहाँ जाना चाहता है, तो 11 महीने काम करेगा, 1 महीना छुट्टी रहती है उसकी। वो बिल्कुल छुट्टी रहती है, मानते हैं तो उसने तो अभी देखिए, मान लीजिए 11 महीने के बाद बोलेगा भैया हम नहीं, वहाँ नहीं हमको पसंद है, हम दूसरा जगह जाएंगे। उसलिए तो हम बोलते हैं भैया 10 महीना से ज्यादा हम एग्रीमेंट के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना 3 एडवोकेट से हम बात किए हैं, उसके बाद ये एग्रीमेंट तैयारी हो रहा है, और 10 ऑपरेटर से बात किए, 10 ओनर से भी बात किए, आपको आज फोन किए, महाराष्ट्र का ओनर से, आपका पुणे से ओनर के बात की, उसके बाद मैं भी महाराष्ट्र ही हूँ, मैं भी हाँ जलगांव के ओनर से बात की, उसके बाद एक हैदराबाद के ओनर से बात की, जो जो इस संस्था से जुड़ा है 2 साल पहले से, उनसे बात की, भैया देखिए आप लोग का क्या सुविधा चाहिए। देखिए जो संस्था बना है ये, हम ये नहीं कि हम केवल ऑपरेटर के लिए झुकेंगे, मालिक के लिए भी झुकेंगे, दोनों को बराबर हमको दिखना है तभी चलेगा संस्था, ठीक है। हमको ये एक बाइक नहीं करना कि भैया मालिक को पूरा दबाव देना है, फिर मालिक का मशीन चलेगा कैसे कल, अब मालिक जब मशीन नहीं चलेगा फिर ऑपरेटर का परिवार कैसे चलेगा, ये सब देख कर चलना पड़ता है ना। कहीं देखिए आप कहीं ना, अभी आपके पास धोखा हुआ है हम समझ सकते हैं, लेकिन चार बार पैसा लेके जो बहुत मालिक भी है ना, ऑपरेटर का धोखा दिया है हमारे पास, बिल्कुल देते हैं। मैं खुद राजू, लेकिन मैं कहने का मतलब ये कि सब पांचों, इसीलिए तो आपने जो डाले लिखे ना वो मेरे को नहीं पसंद आया ना। क्यों? क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं, और आप डाल दिए लिख के, मालक को सिर्फ लिख के, दोनों चीज लिख के डालो ना उसमें। नहीं दोनों चीज डालिए उसमें, वो तो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का उठा के देख लीजिए, जो लेबर कमिश्नर का नोटिस अक्टूबर को, वही हम लिख के डाले हैं, वो हम अपना ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप दिए ना, एक ही चीज नंबर डालिए ना, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ना, दोनों डालिए ना उसमें, सिंगल मत डालिए। सिंगल में ऑपरेटर का मनोबल बढ़ता है और मालक की मनोबल टूट जाता है। ऑपरेटर का मनोबल होना चाहिए ना कि भाई मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो ऐसा होगा। नहीं उसमें जब अरे वो तो एग्रीमेंट पेपर नहीं डाले है ना, तो एग्रीमेंट पेपर तो है नहीं, वो तो सैलरी नोटिस है उसमें, दोनों डालिए उसको भी, ऑपरेटर का मालक का भी डालिए उसमें। नहीं नहीं वो तो सैलरी नोटिस है ना, जब हम एग्रीमेंट नोटिस भेजेंगे ना, जब हम उस टाइम आप बोलिएगा, आप देखते रहिएगा फेसबुक पर, वेबसाइट पर, इंस्टाग्राम पर, इसीलिए तो देखते इंतजार करते हैं आप क्या डालते हैं आप। नहीं नहीं देखिए एग्रीमेंट है, थोड़ा लेट हो रहा है, ये जो सैलरी है ना ये 2 महीना से चल रहा था, कोलकाता में मीटिंग की, उसके बाद झारखंड में मीटिंग की, उसके बाद फिर से बिहार में मीटिंग हुआ, उसके बाद जब जाके ये तैयारी हुआ, हम आपके महाराष्ट्र के जलगांव में भी मीटिंग किए थे आज से 3 महीना पहले। ठीक है देखते, चलो मेरे को कॉल वेटिंग में एक फोन है। ओके ओके।